नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे देखिए आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है इसकी डिटेल जो है आप लोग पूरा देख सकते हैं। इसमें देखिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका निकाला गया मैनेजमेंट ट्रेनी का, तो इसमें देखिए पहले आपका केमिकल वालों का जो है, तो टोटल जो वैकेंसी आपका इसके अंदर में तो वह आपका टोटल 56 है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल वालों का है, इसमें देखिए आपका जो टोटल 18 वैकेंसी इसमें आपकी निकाली गई है। इसी तरीके से जो है आप लोग और भी यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर में आपका, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इलेक्ट्रिकल वालों का जो है इसमें आपका 21 वैकेंसी इन्होंने निकाला हुआ है। और बाकी देखिए कैटेगरी वाइज भी आप लोग जो है इसमें देख सकते हो, यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन करके आपका दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की बात करते हैं, तो इसमें जो आपका टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसके बाद देखिए और भी इसमें केमिकल लैब के लिए 12 है आपका, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल वालों के लिए जो इसमें आपका 3 वैकेंसी इन्होंने जो है यहाँ पर आपके लिए निकाला हुआ है। इसी तरीके से और भी आपका इसके अंदर में है, जैसे कि फायर एंड सेफ्टी में 5 है आपका, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए जो है इसमें 5 है आपका, और मटेरियल्स वालों के लिए जो है इसमें आपका देखिए यहाँ पे 11 वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। इसी तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो आपका इसमें HR का है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर टोटल 16 वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आपका दिया हुआ इस PDF के अंदर में, आप लोग जो है इसमें से और भी डिटेल में सारा कुछ जानकारी इसमें से आप लोग ले सकते हो यहाँ पर। और बाकी देखिए यहाँ पे आपकी कितनी सैलरी कितना आपका रहेगा, तो ये सब कुछ जो है इसमें आपका मेंशन किया गया हुआ है। और बाकी देखिए प्लेसमेंट जॉब का होगा यहाँ पे, तो कहाँ पे होंगे, तो ये सब भी मेंशन इसमें किए गए आपके यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें देखिए जो आपका सबसे पहले केमिकल का है, तो इसमें देखिए एज लिमिट जो है ना आपका सभी के लिए देखिए मिनिमम 18 आपका और मैक्सिमम 27 ईयर इन्होंने रखी हुई है। और बाकी जो OBC बिलोंग करते हैं उनका 3 ईयर्स का, STC का 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो एज मिलता है, तो वो तो आपका रहेगा ही इसके अंदर में। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री आपका मांगा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना ही चाहिए इसमें। उसी तरीके से मैकेनिकल वालों का है, तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए एज लिमिट जो आपका, तो वो तो सेम ही है आपका 18-27, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 आपका यहाँ पे। और डिग्री जो है इसमें मांगा हुआ है आपका यहाँ पे मैकेनिकल BBTEC का, मतलब आपका होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका यह होनी चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का है, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए इस डिसिप्लिन में। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन का देखिए बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए ये सारे जो है एलिजिबल है, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये सभी ब्रांचेज है इसमें एलिजिबल है। उसी तरीके से यहाँ पे केमिकल लैब की बात करते हैं, तो इसमें देखिए इन्होंने जो है मांगा हुआ है आपका MSc इन केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका मिनिमम जो है होना चाहिए 60% मार्क्स सभी इन्होंने मांगा हुआ है। सिविल का है, तो सिविल में आपका देखिए इंजीनियरिंग BBTEC आपका होना चाहिए। और बाकी देखिए यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी का जो है आपका, तो इसमें देखिए फायर सेफ्टी के लिए जो है इन्होंने BBTEC या BSc का डिग्री आपका मांगा हुआ है, फायर सेफ्टी, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, और मिनिमम 60% मार्क्स जो इन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है। या तो फिर देखिए अगर आपका जैसे कि अगर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री BBTEC, मतलब कि जैसे कि आपका अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल इसके अलावा फायर अगर इन सब में भी आपने किया हुआ है, तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फायर एंड सेफ्टी वाले में, तो इसमें जो है एलिजिबल है। और बाकी देखिए इंफॉर्मेशन टेक IT वालों के लिए जो है इसमें इन्होंने कंप्यूटर साइंस या फिर जो है आपका IT मांगा हुआ है, या फिर रेगुलर आपका जैसे कि फुल टाइम अगर आपका MCA है, तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मटेरियल्स के लिए जो है आपका, तो इसमें देखिए BBTEC आपका जैसे मैकेनिकल में हो, मटेरियल साइंस में हो, इन सभी में अगर आपका किया हुआ है, तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे और भी आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें जो है डिग्री आपका MBA PG डिग्री ये सब होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये सारा चीज़ मेंशन करके इन्होंने दे दिया आपका यहाँ पे। और बाकी देखिए जो एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है, तो इन्होंने 31/5/2024 को इन्होंने मांगा हुआ है, तो ये जो है डेट आपका यहाँ पे ये वैलिड रहेगा आपका, मतलब इस डेट के पहले ही का आपका जो है होना चाहिए जो 27 आपका, इसके बाद का अगर आपका 27 जैसे कि 28 भी अगर आपका हो जाता है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए ही आप लोग इसमें अप्लाई करना।
और बाकी देखिए यहाँ पे जो है और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपके दिए हुए हैं, आप लोग जो है इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, तो आपको देखिए यहाँ पे जो है 700 जो है, और साथ में आप जो बैंक चार्जेस होंगे वो आपको फ़ी पे करने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लगभग सभी पोस्ट के लिए आपका वही है, इसके अंदर में यहाँ पर आपको 700 इन्होंने रखा हुआ है, तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखना है यहाँ पे। और बाकी देखिए जो एसटीएससी पीडब्ल्यूडी आई एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है, तो उनको देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है एग्जेम्प्टेड रखा गया है इसमें से। और बाकी देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अप्लाई करने का, तो ये देखिए आपका 12/6/2024 आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर, और 2/7/2024 जो आपका लास्ट डेट इन्होंने मेंशन करके आपका दिया हुआ है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, इसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो अभी भी। और बाकी देखिए ये जो है ऑलरेडी हो चुका था आपका, लेकिन जो लोग नहीं भरे होंगे तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है यहाँ पे इसको फिल करने का यहाँ पर आपका। और बाकी देखिए इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को, तो ये सारा कुछ इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके दिया हुआ है, आप लोग जो है यहाँ से देख लेना सारा चीज़। तो इसमें देखिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है आपका यहाँ पर, तो देखिए जो इसमें रहेंगे आपके, तो ये जो है आपका जैसे कि इसके अंदर में, और जैसे कि अब टेस्ट होंगे यहाँ पे आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखना, ये जो है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका ये नहीं होने वाला है। तो आपका जो है ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका इसके अंदर में होंगे, इन्होंने क्लियरली मेंशन करके आपका जैसे कि इन्होंने दिया हुआ टेस्ट सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे रहेंगे, तो ये सब देखिए सेंटर भी इसमें आपका मेंशन किया गया हुआ है, तो आप लोगों को जो बेस्ट लगे वो आप लोग सेंटर जो है चूज कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। और बाकी देखिए यहाँ पे इसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, जो भी कैंडिडेट का ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका रहेगा उसके बेसिस पे रेशियो में जो है आपका 1:5 जो दिया हुआ इन्होंने मेंशन करके, माने 5 एलिजिबल कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए जो है बुलाए जाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए। और बाकी देखिए जो फाइनल जो रहेगा आपका यहाँ पे, तो वो दोनों के इंटरव्यू पे और ऑफलाइन जो आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा दोनों का बेसिस पे होगा, लेकिन 80% वेटेज आपका जो है रिटन टेस्ट के लिए है और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू के लिए है, तो दोनों मिला के जो है आपको यहाँ पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार आपका किया जाएगा। तो ये चीज़ देखिए इन्होंने मैंसन करके आपका क्लियरली इसमें से दिया हुआ है, और भी डिटेल जो है आप लोग इसमें से देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा चीज़ दिया हुआ है इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ डेट इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका, तो देखिए ये जो है आपका दिया हुआ था आपका 12/6 का यहाँ पे, लेकिन देखिए अभी हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला इसके रिगार्डिंग, तो अभी भी आपके पास चांस है, जो लोग नहीं भर पाए हैं इसको तो आप लोग इसको अभी भी भर सकते हो, इसका 2/7/2024 तक इसका लास्ट डेट है आपका यहाँ पर, और एडिट या करेक्शन करने का डेट है आपका 4/7/2024 है, और फिर क्लोजिंग जो आपका होगा यहाँ पे जैसे कुछ आपको करेक्शन करने होंगे तो उसके लिए 4 को ओपन होगा और 5 को जो है आपका फिर ये बंद होगा। तो आपको जो है टाइम से पहले ही अप्लाई कर, अभी भी आपके पास टाइम है, अब जैसे कि ये वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं हम यहाँ पर, आज का जो डेट आपका 28 है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग जो है इसको फिल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो हमने आपको बता दिया, और भी कोई डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।